हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप ई रिक्शा चार्जर का ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग करते हो और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो बार बार जल जाते हैं। हाँ दोस्तों, आप जितना बार रिवाइंडिंग करते हो आपका एक दो घंटा चलने के बाद वो जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो ट्रिक्स बताऊंगा आपको, आपको रिवाइंडिंग करने का तरीका बताऊंगा किस तरह से रिवाइंडिंग करना है। तो आप अगर मेरे इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका जो ट्रांसफार्मर है, मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं मैं कि आपका ट्रांसफार्मर 2-3 साल के पहले जलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर कैसे जलते हैं। तो आप जो है दोस्तों, आप किसी का भी डेटा उठाकर ट्रांसफार्मर को रिवाइंडिंग करते हो। ये जो है ट्रोडियल ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो आप किसी दोस्तों से या कोई दुकानदार से आप जो डेटा मांगते हो और उसी डेटा से आप रिवाइंडिंग कर देते हो और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाता है या तो आपका ट्रांसफार्मर अच्छा से चार्ज नहीं करता है। तो आज हम बताएंगे दोस्तों कि डेटा आप किसी के पास मांगिए मत, क्योंकि आप खुद डेटा बना सकते हो। क्योंकि डेटा आप देख सकते हो, ये टोरोइडल ट्रांसफार्मर है दोस्तों, और टोरोइडल ट्रांसफार्मर जो है इसका जो साइज होता है ये छोटा बड़ा होता है। मेन बात यही है दोस्तों कि ये छोटा छोटे बड़े होते हैं, जिसके कारण आप एक डेटा उठाकर अगर सभी टोरोइडल ट्रांसफार्मर को रिवाइंडिंग करते हो तो आपका ट्रांसफार्मर जो है तुरंत जल जाएगा। दोस्तों, आप किसी का भी डेटा उठाकर अगर ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग करते हो तो आपका वोल्टेज जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा वोल्ट हो जाते हैं तो वो जो है ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। अगर कम वोल्ट हो जाते हैं दोस्तों, तो आपका ट्रांसफार्मर जो है, आपका जो ई रिक्शा चार्जर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो ट्रांसफार्मर है 48 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो 48 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है मतलब 4 बैटरी लगा हुआ रहता है ई रिक्शा में, तो 4 × 48 होता है। तो आपको 48 वोल्ट नहीं बनाना है, आपको अच्छा से चार्ज करने के लिए कम से कम आपको 50 से 52 वोल्ट तक का चार्जर बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा वोल्ट का बना लेते हैं, 60 वोल्ट या 55 वोल्ट बना लेते हैं, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो तुरंत जल जाएगा दोस्तों। तो आप किसी का डेटा से रिवाइंडिंग मत कीजिए दोस्तों। आज मैं बताऊंगा, आप खुद बहुत ही इजी ट्रिक्स है दोस्तों, मैं फॉर्मूला दूंगा आपको और पूरा मतलब किस तरह से आपको निकालना है इसका डेटा, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखिए मेरा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आगे कि किस तरह से इसे डेटा निकल कर आपको रिवाइंडिंग करना है। और फिनिशिंग आप देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से फिनिशिंग करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तभी जो आके आपका जो ट्रांसफार्मर है वो अच्छा से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि कोई भी ट्रांसफार्मर आप इतना अच्छी तरह रिवाइंडिंग करोगे जो किसी के पास भी डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, आप खुद डाटा बनाओगे और कभी जलेगा भी नहीं है, और आपका जो वोल्टेज है वो कम भी नहीं होगा, सारी चीज़ एकदम एक्यूरेट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्या करना है सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें मैंने कपड़ा लपेट दिया हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करना है। आप देख सकते हो ये जो गोलाई है, तो गोलाई में कहीं भी यहाँ से या यहाँ से कहीं भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। बस छोटा सा वीडियो दोस्तों, आप लाइक ज़रूर करना। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार, आपको ये जो मेजरमेंट करना है इस ट्रांसफार्मर को, जब भी आप टोरोइडल ट्रांसफार्मर आप रिवाइंडिंग करने जाओगे तो आपको इसमें इंच में मेजरमेंट नहीं करना है, आपको करना है सेंटीमीटर में, ठीक है दोस्तों। तो हम चलिए यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 3.5, तो इसका मैं चौड़ाई जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसका जो चौड़ाई है दोस्तों 3.5 इंच मैंने सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, मैंने 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसका हम लंबाई देखते हूँ दोस्तों, इसका जो यहाँ पर देख सकते, बस दो ही जगह आपको मेजरमेंट करना है, इसको भी सेंटीमीटर में, मतलब पूरा सेंटीमीटर में ही मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 8 सेंटीमीटर हो रहा है, देख रहे हो दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी तरह आपको मेजरमेंट करना है। तो चलिए इसको मैं लंबाई पकड़ लेता हूँ, इसको मैंने चौड़ाई पकड़ा है, तो इसका लंबाई तो ये जो होगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर, देख सकते हो दोस्तों ये 3.5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को आप मल्टीपल करोगे
तो कितना निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 28 इसका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो बस अब कुछ नहीं करना है, आप इसको मेजरमेंट कर लिया, ओके। आप आपको फार्मूला में बता रहा हूँ, ये फार्मूला आप लिख के रखना, याद कर लेना या तो स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। आपको गारंटी देता हूँ आपका ट्रांसफार्मर कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर इस तरह से आप रिवाइंडिंग करोगे तो। लेकिन किसी का भी डाटा चोरी करके करोगे या तो डाटा मांग के करोगे, आपका गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये जो है दोस्तों स्टेटर सेम टू सेम नहीं होता है। मैंने भी पहले किसी का डाटा में बांधा था, पहली बार तो ठीक हुआ, फिर सेकेंड बार क्या हुआ, वो ट्रांसफार्मर तुरंत एक ही दिन में जल गया। इस तरह का गलती कभी मत करना दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना, आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करना अगर एक भी गलती हो गया तो। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है, आपको कुछ भी अपने मन से नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट किया 3.5, और ये वाला जो मेजरमेंट किया है, ये वाला आपको दिखा देता हूँ फिर से अच्छा से। ये वाला मेजरमेंट किया तो ये हुआ 8 सेंटीमीटर। तो टोटल मल्टीप्लाई करने पर इसका टोटल जो निकला दोस्तों 28, ठीक है, इसका रिजल्ट निकला 28। अब फार्मूला में बता रहा हूँ दोस्तों, इसका जो फार्मूला है ये हुआ फार्मूला, देखिए मैं इसका फार्मूला बता रहा हूँ, 42, देख सकते हो दोस्तों 42 इसका फार्मूला हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसको डिवाइड करना है, ये जो मैंने 28 बताया इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको आपको डिवाइड कर लेना है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों, इसको डिवाइड जब करोगे 42 जो है ये फॉर्मूला है, अब ध्यान से समझिए, और ये मेरा रिजल्ट निकला, ये चौड़ाई और लंबाई का रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पर 28 निकला। अब 28 को मैं 42 से डिवाइड कर, तो चलिए दोस्तों मैं कैलकुलेटर में भी आपको इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले 3.5 को 8 से मल्टीप्लाई आपको दिखा देता हूँ, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए 3.5, ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तब देख सकते हो दोस्तों इसका रिजल्ट, आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 28 निकला, 28, ठीक है। अब आपको 42 जो फार्मूला है, 42 फार्मूला से डिवाइड करना है। चलिए तो मैं 42 कर देता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पर मैंने 42 कर दिया दोस्तों। अब इसको डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड कर देता हूँ, कितना से, 28 से जो मेरा रिजल्ट निकला था 28। तो अब देख सकते हो दोस्तों इसमें 1.5 निकला, यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, कैलकुलेटर में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, देखिए नीचे पॉइंट है, 1.5 निकला। देखिए दोस्तों 1.5 इसका जो रिजल्ट निकला, 1.5, मतलब इस ट्रांसफार्मर में आप डेढ़ टर्न करोगे, एक और आधा टर्न करोगे तो आपका जो होगा 1 वोल्ट, ठीक है। पर वोल्ट जो होगा, पर वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट के लिए आपको क्या करना है, एक और आधा डेढ़ टर्न देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप इसमें जो एसी वायर रिवाइंडिंग करते हो, जो इनपुट एसी होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 220 वोल्ट जो इंडियन पावर है दोस्तों, वो हर चीज़ 220 वोल्ट में चलता है, तो आपको हम इसे 220 वोल्ट से ही करना है। तो ये वो 1.5 ये आपका रिजल्ट निकला, तो ये रिजल्ट जो है 1.5, ठीक है। यहाँ पर 1.5 के साथ क्या करना होगा, 220 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें टोटल टर्न्स कितना लगेगा दोस्तों एसी के लिए, तो चलिए हम यहाँ पर 1.5 कर देते हैं, 1.5, ठीक है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 220 वोल्ट से, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए इसमें 330 टर्न, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए। इसका जो 220 वोल्ट में चलाने के लिए आपको क्या करना है, 330 टर्न रिजल्ट निकला, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 10 टन और ज़्यादा दे देना है, क्योंकि कभी कभी 240 वोल्ट भी हो जाता है जिसका घर में स्टेपलर लगा हुआ, तो इसमें हमेशा आपको 10 से 15 टन ज़्यादा देना है। तो 330 टन निकला दोस्तों, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें 345 टन दे देना है, ठीक है, एसी के लिए एसी, ठीक है दोस्तों, 345 टन देना है, ओके। अब इसमें 48 वोल्ट निकालना है आपको, ठीक है, ये ई रिक्शा का चल रहा है, 48 वोल्ट निकालना है। तो 48 वोल्ट के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए सेम ऐसे ही प्रोसेस है, 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 48 वोल्ट के साथ। तो फिर से मैं 1
6.5 लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर में, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 वोल्ट के साथ, 48। तो इसका रिजल्ट निकला दोस्तों, देख सकते हो 72 टन्स, मतलब आपको 72 टन्स देना है, यहाँ पर 345 टन देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रिजल्ट निकला 72 टन, ठीक है। यहाँ पर 330 टन्स निकला था रिजल्ट, लेकिन 15 टन्स आपको बढ़ा के देना है एसी इनपुट के लिए, क्योंकि स्टेपलर लगा हुआ रहता है, मैंने पहले बताया, लेकिन यहाँ पर 72 टन्स दीजिएगा तो आपका जो है दोस्तों 72 टन्स देने पर आपका 48 वोल्ट निकलेगा। लेकिन आपका जो ई रिक्शा में बैटरी लगा हुआ रहता है वो 4 बैटरी लगा हुआ रहता है 12 वोल्ट का, ठीक है, तो 4 12 48 हुआ, और आप 48 वोल्ट का ही चार्जर बनाओगे तो आपका बैटरी जो है चार्ज नहीं होगा। आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, आपका ई रिक्शा 48 वोल्ट का है, 4 12 48, और आप चार्जर भी 48 वोल्ट का बनाओगे तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। कैसे चार्ज नहीं होगा, मान लीजिए आपको 2 गिलास है बराबर साइज़ का, ठीक है, दोनों गिलास में आप पानी डाल दिए और एक पाइप लगा दिए, ठीक है, अब अगर दोनों गिलास में बराबर पानी डाले, मतलब बराबर साइज़ का गिलास है और दोनों में फूल फूल करके पानी डाला और एक पाइप लगा दिया, तो पानी किधर जाएगा दोस्तों, पानी तो किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में बराबर पानी है। तो आपको क्या करना दोस्तों, कम से कम 2 से 3 वोल्ट ज़्यादा करना है, ठीक है, तो यहाँ 48 वोल्ट निकलता है 72 टन्स में, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है 75 टन्स, ठीक है, यहाँ पर 75, ज़्यादा टन्स मत कीजिएगा दोस्तों, सोचिएगा कि हम ज़्यादा टन्स कर देंगे तो मेरा चार्ज अच्छा होगा, नहीं दोस्तों, चार्जर आपका जल जाएगा, हाई वोल्टेज निकल जाएगा, तो ठीक है, तो आपको 75 टन्स डीसी देना है 48 वोल्ट के लिए। आप इसमें पंखा लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो है 12 वोल्ट का पंखा, लेकिन उसमें जो है दोस्तों 78012 का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 12 वोल्ट के लिए क्या करना है दोस्तों, चलिए हम 12 वोल्ट का लिए देखिए आपको बता रहा हूँ, 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी दोस्तों 1.5 को 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, चलिए फिर से आपको करके दिखाता हूँ, 1.5 उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 18 टन, ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बताया दोस्तों उसमें रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है 78012, वो अगर 30 वोल्ट भी आ जाएगा तो उसमें 12 वोल्ट ही पंखा को सप्लाई देगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 18 टन्स निकला, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा ही टन देना है, आपको कुछ बढ़ा के टन देना है, तो आपको 27 टन्स देना है यहाँ पर, ठीक है, ये फैन के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है बार बार देखो, और मैंने जिस तरह से आपको बताया शायद किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब में। तो दोस्तों कैसा आपको लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच।